एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो हेलो, हाई एवरी वन, गुड मॉर्निंग। और आज सैटरडे है लेकिन हमारा कॉलेज लगने वाला है। आज मेरा क्लास 10 बजे का है, जाना तो पड़ेगा ही। और मैं क्या कहने वाली थी कि आई गेस आज कोई नहीं आने वाला कॉलेज, क्योंकि आज सैटरडे है और कल ही नोटिस आया था, इसीलिए कुछ लोगों को पता ही नहीं था। रास्ते में सब लोग मुझे पूछ रहे हैं। रास्ता पूरा एम्प्टी है।
चलो आज तो खाली खाली सिन्सियर स्टुडेन्ट हो नि त हामी चाहिँ बोलाउनु भित्तिकै आयो भने कलेज नहुन्छ My one and only friend.
तो मैं एक और Q&A वीडियो बनाने के बारे में सोच रही थी। तो अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछना हो या कुछ सजेस्ट करना हो तो आप सब कमेंट कर सकते हो। मैं लेकिन आप सबके नाम के साथ कमेंट करिएगा, अगली बार मैं आप सबके नाम के साथ ही आपको रिप्लाई दूंगी। मैले ल्याएको हुन्छ यो पनि त्यो भन्नु सोधेछ नि। कति कति बाँडे क्रिकेटमा फाइदा हुन्छ नि। ए आफै खेलेको नि है। मलाई लानु नि क्रिकेट मेरो हाइट सो है एवरी वन, आज मंडे है और आज लेकिन आज हमारा कॉलेज नहीं लगा, आज होलीडे है और आज हम बात करने वाले हैं या मैं आंसर करने वाली हूँ कुछ क्वेश्चंस या कुछ चीज़ें जो मुझे अक्सर पूछे जाते हैं लोगों के द्वारा और लाइक इन इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पर या रियल लाइफ में हो, अक्सर लोग मुझे ये बातें पूछते रहते हैं तो आज मैं उन्हीं का जवाब देने वाली हूँ। और आज मेरा लिप्स कुछ रेड रेड दिखाई दे रहा है, ऐसा क्योंकि मैंने ये बनाया है आज, इसीलिए होगा शायद। आई थिंक मैं फ़ोन केस के लिए भी बनाने वाली हूँ। फर्स्ट इसको इसे लगाते हैं। छोटे नहीं हो गए ये।
तो शुरू करते हैं हमारा। तो लोग पूछते थे मेरे पेरेंट्स के बारे में, तो मेरे पेरेंट्स दोनों ही बहुत ही टैलेंटेड थे। पहले मेरे पापा गाना लिखते थे और 7-8 एल्बम्स भी निकाल चुके हैं। और पहले पापा इंस्ट्रूमेंट्स बनाते थे खुद के लिए। तो अभी मेरे पापा ड्राइविंग करते हैं और मम्मी नाइटिंग बहुत अच्छे से करते हैं। और मम्मी हाउसवाइफ है और मेरा एक भाई है, वो क्लास 10 के फाइनल में है। नेक्स्ट ईयर उसका बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है। आप पूछते थे मेरे इंस्टाग्राम जर्नी के बारे में। इंस्टाग्राम जर्नी, मैंने इंस्टाग्राम लॉकडाउन में खोला था व्हेन आई वाज इन क्लास 10। और उस वक्त मैंने इंस्टाग्राम इसीलिए खोला था कि मुझे पहले डांस का बहुत ही शौक था, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं इंस्टाग्राम रील्स पर डांस करूंगी। लेकिन जब मैंने इंस्टाग्राम यूज़ करना शुरू किया तब मैंने देखा कि वहाँ पर नेपाली डायलॉग्स होते थे, वो बहुत ही कम मिलते थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब से डायलॉग्स निकाल कर उस पर रील्स बनाऊँगी। लेकिन उस वक्त मेरा फ़ोन अच्छा नहीं था, कैमरा भी अच्छा नहीं था, इसलिए मैं पापा के फ़ोन से बनाती थी। लेकिन उतना आसान नहीं था मेरे लिए वो, क्योंकि मुझे पापा 7 बजे अपने काम पर जाते थे, इसीलिए 5-6 बजे ही उठकर बना लेती थी वीडियो। और एक बार में ही मैं 4-5 वीडियो बना कर रखती थी, क्योंकि पापा का फ़ोन मिलना उतना आसान नहीं होता था। लेकिन मम्मी बहुत हेल्प करती थी मेरी सुबह पापा को उठाने में, और पापा के फ़ोन पर पासवर्ड होता था, और वो मुझे बचपन से ही बहुत ही सपोर्ट करती रही है मम्मी। और ऐसे मैं इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती थी। इस वक्त बहुत डांट भी खाई मैंने, घर पर कहते थे ये टाइम पास मत करो, पढ़ाई पर फोकस करो। लेकिन जब मेरा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ते गए, और उस वक्त मैंने फर्स्ट प्रमोशन किया था, आई थिंक 16K और समथिंग में मैंने एक प्रमोशन किया था। और उस वक्त वो जो पैसे आए थे वो मैंने सीधा पापा के हाथ में ही रख दिया। उस वक्त पापा को पता चला कि मैं सिर्फ टाइम पास नहीं कर रही थी, और तब से पापा भी मुझे बहुत सपोर्ट करते आए हैं और अभी तक कर रहे हैं पापा सपोर्ट। और दूसरा पूछते थे मेरे कॉलेज लाइफ के बारे में। अब तो अच्छा ही चल रहा है, अच्छा ही चल रहा है। लेकिन कॉलेज में लोग ये भी पूछते थे कि कॉलेज फर्स्ट टाइम कैसा रहा। फर्स्ट टाइम कैसा था कि कुछ लोग आए थे, मेरे सीनियर्स मुझे दीदी कह के कर रहे थे। आई थिंक उन लोगों को मैं रील्स पर दिख गई थी इसीलिए होगा शायद। और वो लोग कह रहे थे कि मैं उन लोगों को लगा था कि मैं नेपाल से हूँ। कई लोगों को अभी भी ऐसा ही लगता है कि मैं नेपाल से हूँ, लेकिन नहीं, मैं सिक्किम से हूँ, नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। और आई वॉज रियली एक्साइटेड एट दैट टाइम। किसी ने तो मुझे पहले ही मैसेज करके, इंस्टाग्राम मैसेज करके बोला था कि गेजिंग कॉलेज में मिलेंगे। और उस वक्त कोई फ्रेंड्स मिले भी और अभी बने भी हैं फ्रेंड्स। और कॉलेज में क्या होता है कि अगर किसी को लोग ज़्यादा पहचानते हैं तो उन लोगों के बारे में अजीब तरह के रूमर्स फैलते हैं। वैसा ही मेरा हुआ था कि मेरा बॉयफ्रेंड है, नहीं मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा रूमर्स फैल गया था। उस वक्त ऐसा रूमर्स चलता ही रहता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मेरे ज़्यादा मेल्स फ्रेंड्स है, इसलिए भी हो सकता है कि वो सोचते होंगे कि वही मेरा बॉयफ्रेंड है इसलिए। लेकिन जितना भी कह लो उन लोगों को विश्वास तो होता है नहीं, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ, उन लोगों के बातों को इग्नोर करती हूँ। किसी ने तो मुझे पूछा भी था कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, वैसे पूछा था। आई वॉज लाइक नो, ही इज माई ब्रदर। मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन आदत कर रही हूँ। कोई नेपाली लोग मुझे कहते हैं कि नेपाली में वीडियो बनाओ, ये तो मैं
पहले वीडियो से ही कहती आई हूँ कि हम नेपाली लोग बहुत ही अच्छे से हिंदी समझते हैं, इसीलिए मैं हिंदी में बोलती हूँ और मेरा वीडियोस इंडिया के बाकी स्टेट से भी देखते हैं, इसीलिए उन लोगों को आसानी हो इसीलिए मैं हिंदी में बोलती हूँ जो सबको समझ में आता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई एम सॉरी लेट अपलोड हो रहा है क्योंकि मेरा सेशनल चल रहा था, इसलिए मुझे पढ़ना भी है, इसीलिए मुझे देरी हो गई अपलोड करने में। होप यू गाइस विल अंडरस्टैंड। बस इतना ही। हाँ बस इतना ही। ओके गाइस टेक केयर, लव यू ऑल।